संपूर्ण बजट कल यानी कि 23 जुलाई को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार संपूर्ण बजट पेश करेंगी और अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड था, लेकिन सातवीं बार वित्त मंत्री ये बजट लेकर आ रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, लेकिन इस बजट की खासियत क्या होगी जानने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। जयंत सिन्हा जी, पूर्व बीजेपी के सांसद और पूर्व स्टेट ऑफ फाइनेंस और सिविल एविएशन के मंत्री रह चुके हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, हमारे साथ मौजूद है। राजीव कुमार जी, फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, बीजेपी के नेता और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो अर्थव्यवस्था पर इनका पूरा ज्ञान यहां पर हम लेंगे। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जयंत जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज के अपने बजट भाषण से पहले ये कहा है कि विकसित भारत की संपूर्ण नींव ये बजट रखेगा और साथ ही दिशा तय करेगा कि अर्थव्यवस्था की दिशा अगले 4.5 या फिर यूं कहें 5 साल तक क्या रहने वाली है। सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा ये बजट, और कैसे ये पूरा होगा, कैसे इसका खाका अंतरिम बजट में ही क्या जयंत जी तैयार कर लिया गया था और अब संपूर्ण नीतियों के साथ सरकार तैयार है कल के इस बजट में। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत सही तरीके से इसका आपने इंट्रोडक्शन दिया है। और अब जो हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए वो चर्चा करनी चाहिए कि जो बजट में विकसित भारत का ब्लूप्रिंट आएगा उसमें खास विशेष मुद्दे क्या होने चाहिए, और इन विशेष मुद्दों पे जो आज इकोनॉमिक सर्वे जिसको प्रस्तुत किया गया है उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड बहुत ही कुशलता से रखा गया है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें जो हेडलाइन है नेहा जी, सबसे मुख्य जो हेडलाइन है कि आगे भी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती से और बड़े तेजी से आगे बढ़ते रहेगी। अनुमान है कि अर्थव्यवस्था का जो दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, वो 6.5 से लेके 7% ये चलता रहेगा और आगे के कई दिन इस प्रकार से चलता रहेगा। और ये IMF और कई और एजेंसीज ने भी ये कहा है और इसको भी इकोनॉमिक सर्वे ने आज दोहराया है। साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे में 5 मुख्य बिंदु थे जिसका मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जो बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता हम लोगों ने लाई है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि ग्रोथ रेट अच्छा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक रहे, महंगाई कम रहे, फिस्कल डेफिसिट कम रहे, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता होनी चाहिए, ये आज इकोनॉमिक सर्वे में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में खासकर काफी गहराई से महंगाई पे उन्होंने अपना जो है राय दिया है और ये भी कहा है कि जो हम लोगों को सब्जियों के भाव में जो महंगाई नजर आई है वो वेदर के कारण, मौसम के कारण हुआ है और ये थोड़ा एराटिक है, थोड़ा वेरिएबल है, लेकिन ये जो है स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। तो ये 2-3 मुख्य बिंदु थे, PLI, कैपेक्स और बेरोजगारी पे भी काफी कुछ इकोनॉमिक सर्वे में है और मुझे मालूम है कि आज सब जो यहाँ हमारे माननीय इसमें भागदार हैं इस चर्चा में, आज हम लोग उन सब मुद्दों पे लंबी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए कैपेक्स, PLI, बेरोजगारी, इसका खाका तो तैयार कर लिया गया है। लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जी, क्योंकि वैश्विक मंदी की आहटें जो है इस वक्त सबको डरा रही हैं और इन वैश्विक मंदी की आहट जो है हिंदुस्तान को कैसे प्रभावित कर सकती है या फिर नहीं, और इसका किस तरीके से आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज के तौर पर सामने आ सकता है। सुनेहा जी, 2 बातें। पहले तो ये विकसित भारत वाली बात पे, ये बहुत जरूरी है। इन अंतरिम बजट जब निर्मला जी ने पेश किया था फरवरी में, तो उन्होंने कहा कि हम जो रेगुलर बजट आएगा जो कि अब कल आ रहा है,
उसमें इसका रोड मैप रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी थोड़े दिन पहले ही नीति आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 27 तारीख को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो है उसकी बैठक होगी इसके बारे में बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इस बजट में इसका रोड मैप आएगा या नहीं आएगा। मैं बड़ी उत्सुकता से इसको देखूंगा कल कि विकसित भारत के बारे में क्या बजट में आता है। आपने नीति आयोग की चर्चा करी है तो राजीव कुमार जी को चर्चा में ले आते हैं, कह रहे हैं कि इसका रोड मैप आएगा नहीं आएगा इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि मीटिंग्स तो सर हर साल बजट के पहले होती हैं, पर वास्तविकता क्या इससे परे पाते हैं आप? क्योंकि लगातार पिछले 5 साल से और इस साल जो वोट बैंक वोट फीसदी में कमी आई है उसकी एक बड़ी वजह बेरोजगारी बताई जा रही है और महंगाई, यानी कि सरकार पर से कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा हटा है या फिर कम हुआ है, जिसकी वजह से लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कैसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और वो तस्वीरें भी हम अक्सर देखते हैं जिसमें लंबी कतारें लग जाती है जब भी कहीं के लिए आवेदन खुलता है। नेहा जी बहुत नमस्कार और धन्यवाद। और जैसा कि मैंने देखा है पिछले कई बजट से कि कोई मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जो है या कोई विकसित भारत की तरफ कोई पूरा कोई रास्ता वो बजट में अधिकतर नहीं आता है। वो अलग से आता है, 100-day plan में आएगा या वो जो नीति आयोग की मीटिंग हो रही है 27 तारीख को उसमें दिया जाएगा। तो बजट से हमें ये उम्मीद करना नहीं चाहिए। तो रोजगार सृजन कैसे होगा? अब आपने जो असली मुद्दा जो उठाया, मेरे नज़र में जो असली मुद्दा उठाया है वो है रोजगार का। और रोजगार की हालत आंकड़े चाहे कुछ भी कहें और कहते रहें, मगर जो जो मुझे नज़र आता है, जो तथ्य नज़र आता है वो ये कि ग्रेजुएट्स के लिए खासतौर से हमारी रोजगार की सिचुएशन इस समय अच्छी नहीं है। और एम्प्लॉयबिलिटी और एजुकेशन में जो फ़र्क है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि कल के बजट में हम लोग वित्त मंत्री बहुत फोकस करेंगी कैसे एजुकेशन सेक्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, स्किल डेवलपमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और ख़ासतौर से जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा निजी निवेश है, क्योंकि अंततोगत्वा हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी तो सिर्फ निजी निवेश के द्वारा और हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा। उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगी? अभी भी ज़मीन पर बहुत सारे उनके लिए अड़ंगे हैं, उनको कैसे हटाएंगे कि जब तक एक सर, जिन एजुकेशन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं उसके तो दूरगामी परिणाम होते हैं ना? नहीं, दूरगामी परिणाम भी होते हैं मगर स्किल डेवलपमेंट के परिणाम तो मेरे ख्याल में करीब करीब फौरन ही नज़र आ जाते हैं अगर आप अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट करें। और जैसा कि मैंने कई बार नीति आयोग से भी कहा था, अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आप दिगना चौगना 5 गुना कर दें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को लेती है जिसकी कि उनको डिमांड होती है। तो ये जो गैप है कि स्किल आप एक बना रहे हैं और डिमांड दूसरी तरफ जा रही है वो नहीं रहेगा। क्योंकि इस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है वो विकसित भारत की जो नींव है वो हमारी स्किल्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर रखी जाए। और मैं एक बार गुजारिश करूंगी वो पॉपुलेशन वाली स्लाइड चलाएं जिसमें हम लगभग चीन से नेक टू नेक चल रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में, और आने वाले वर्षों में और जो हमारा आकलन है इस स्लाइड में हम चीन से भी आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो जो मेजर्स उठाए हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नजदीक भविष्य में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी को मैं अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि अरुण जी हमेशा वित्त मंत्री से दो बेसिक बातों की उम्मीद होती है, आम आदमी के तौर पर मेरे टैक्स स्लैब्स में क्या राहत मिलेगी और किस तरीके से मुझे महंगाई में कमी मिलेगी। उसके फौरी तौर पर भले ही कोई अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में कैसे WPI, CPI इन सब पर प्रभाव दिखाई दे? देखिए, जो टैक्स की नीति है उसमें हमारे प्रत्यक्ष कर होते हैं और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जो आम आदमी है वो तो अप्रत्यक्ष कर पे करता है, हमारा जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट है जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं वो तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 1.5 करोड़ लोग हैं वो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो 140 करोड़ में से 1.5 करोड़ है तो नहीं 1.1% लोग ही हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता है, हमें तो इनडायरेक्ट टैक्स देखना है। और GST जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो तो GST काउंसिल डिसाइड करेगी, वो यहाँ नहीं डिसाइड होगा। पर मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है कि अगर हम किसी को टैक्स कंसेशन देते भी हैं तो उसका लॉस बाकी प्राइस राइज से कितना हो रहा है, तो प्राइस राइज पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। और हमारे यहाँ तो 94% लोग असंगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको जो है कोई वो सुविधा नहीं होती कि वो अपनी तनख्वाह बढ़वा लें, तो इसलिए सबसे ज़्यादा असर उन पे होता है।
और सारी समस्या हमारी वहीं से आ रही है, क्योंकि जब असंगठित क्षेत्र पे जब प्रहार होता है, जब उनकी आमदनी कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होती है, जब डिमांड कम होती है तो उससे हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है, और जब कैपेसिटी, मैं बात कंप्लीट कर लूं, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी समस्या है कि हमारा असंगठित क्षेत्र जिसमें कृषि और माइक्रो सेक्टर, ये दो बड़े क्षेत्र हैं, जब उन पे प्रहार होता है, और नोटबंदी से प्रहार हुआ, फिर जीएसटी से हुआ, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से हुआ, फिर पैंडेमिक से, ये चार बड़े प्रहार हुए हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में है। और जो आज बेरोजगारी है वो असंगठित क्षेत्र से ही आ रही है, क्योंकि वहीं पर काम नहीं है। जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर सरकार का भी ये डेटा ले लें तो 55% करीब है, सीएमआई का डेटा ले लें तो 46% करीब है। तो इसका मतलब है करीब जो 10 करोड़ लोग हैं जिनके पास जो काम ढूंढना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये जो रोजगार की बात है, असंगठित क्षेत्र की बात है, और जो डिमांड की बात है, वो सब जुड़ी हुई है तीनों चीजें। उस पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारा ग्रोथ गिर जाएगा और हम विकसित भारत की तरफ नहीं जा पाएंगे। विकसित भारत की बात हो रही है प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, और विकसित भारत की ओर हम कैसे बढ़ेंगे जब रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रोफेसर अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था लगभग वेंटिलेटर पर है, और ऐसे में 2047 में अगर हम ये चश्मे से देखें भी कि बहुत सुनहरे भारत की तस्वीर आपकी सरकार पेश कर रही है, तो उस तस्वीर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि आपको तो चुनाव का भी ध्यान रखना है, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, वहां पर किस तरीके से किसानों के लिए आप कौन सी स्कीम्स लेकर आएंगे आने वाले वक्त में, अब जिन जिन जगहों पर चुनाव होने हैं उस पर भी आपका, महिलाओं के लिए खास तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह की स्कीम्स की घोषणा की जाए, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया जाए, इस तरह का भी आप पर दबाव होगा, और दो ऐसे राज्य जिनका सहयोग आपको प्राप्त हुआ है सरकार बनाने के लिए, उन राज्यों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान, इतना सारा भार इस वक्त आपकी सरकार पर है। देखिए नेहा जी, आज के आर्थिक सर्वे में एक बहुत महत्वपूर्ण एक चार्ट था, और वो चार्ट इन आपके सारे सवालों का उत्तर दे देगा। पूरे विश्व के सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज, एमर्जिंग इकोनॉमीज में सिर्फ भारत एक राष्ट्र है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है पूरे विश्व में। इसमें चीन, अमेरिका, यूके, या तो वहाँ ग्रोथ ज्यादा है तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, या ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों कम है। एकमात्र भारत है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है FY24 के लिए, और जैसा प्रोफेसर साहब ने अभी फरमाया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 57% है, पर पिछले तीन चार वर्षों में वो लगभग 8 से 9% बढ़ी है, और बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कोई, मैं इनकी बात से असहमति जाहिर नहीं कर रहा, इसको 57 को 62 ले जाना है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी बढ़ाना है। SBI ने एक रिसर्च अभी जून 2024 में ही अपना एक आंकड़ा जारी किया, जिसके अनुसार 2014 से लेकर 2023 के मध्य 12.5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन हुआ, ये SBI का आंकड़ा है। अगर हम इसमें से एग्रीकल्चर वाले एम्प्लॉयमेंट को निकाल लें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में 9 करोड़, पर ये काफी नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग हमारी वर्कफोर्स में जुड़ रहा है, तो ये काफी नहीं है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो आने वाले बजट में मैन्युफैक्चरिंग, लेबर सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जहां पे क्वालिटी ऑफ जॉब हो, इसके ऊपर आपको पर्याप्त उपाय दिखेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में जो हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, इस बजट पर उसमें फोकस मुझे लगता है कि उस पर होने की संभावना है, क्योंकि भारत ग्रीन और ब्लू इकोनॉमीज में एक सेंट्रल स्टेज ऑक्यूपाई कर सकता है। रही बात रोजगार की, इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में मैं बताना चाहता हूँ कि 5% एवरेज इन्फ्लेशन रहा है पिछले 5 वर्षों का, और इसको कम करने की, और विशेषकर जो खाने पीने के सामान है उसमें इन्फ्लेशन, जिसको हम टॉप कहते हैं, टमाटो, ओनियन, पोटैटो, उसमें इन्फ्लेशन को कम करने का और भी संभावना है। इंटरेस्टिंग टर्म दिया यहाँ पर, पॉट टॉप, टॉप टॉप टमाटो, मैंने उल्टा समझा कि खैर इन सबसे आपने ग्लोबल मंदी की बात की थी जिसपे प्लीज आप बताए। ये देखिए, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो आपने भी इसमें हिंट किया कि करीब 3.5% है
हिंदुस्तान तकरीबन 7% 8% पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा रेट पे भी ग्रोथ कर रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन इसको हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये दुनिया की जो आधी इकोनॉमी है, जो एडवांस्ड इकोनॉमी जिनको हम कहते हैं, अमेरिका, यूरोप एंड ऑल, ये सब पहले से बहुत ग्रो कर चुके हैं। इनकी एवरेज इनकम 50,000-60,000 डॉलर प्रति व्यक्ति है। ये 60s में 50s में 70s में ग्रो हुए, वो ग्रो हो चुके हैं, उनके यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, उनको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो जैसे ही हम ये 21वीं शताब्दी में आए, उस समय फिर चाइना ने ये बैटन उठाया ग्रोथ का, और चाइना 20-25 साल तक 10% की दर से ग्रोथ हुआ और ग्लोबल ग्रोथ को 4-5% के आसपास रखा। हम पिछले 60 साल में ग्रो नहीं हुए 70 साल में, और अभी भी अगर हम 6-7% पे ग्रो करते हैं तो हम बाकी लोगों की तरह से, बाकी देशों की तरह से विकसित नहीं बन पाए।